हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 24 मार्च 2018 थर्ड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास GA से रिलेटेड या इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड हमारे पास आया है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जो थर्ड शिफ्ट का आज एग्जाम देकर आया है कि अगर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस उन्हें मेमोरी बेस्ड जितने भी याद है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात करें जो आज इवनिंग शिफ्ट में देखा गया, वो था आपको वैल्यू गिवन थी पावर की और वैल्यू गिवन थी टाइम की और वैल्यू निकालनी थी आपने हीट एनर्जी। दो वेरिएबल आपको गिवन है और तीसरा वेरिएबल हीट एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है। तो आपको बता दे जो पावर की डेफिनेशन होती है, पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर की डेफिनेशन हमें पता है। तो यहां पर आप देखिए दो वेरिएबल आपको गिवन है, पावर और टाइम गिवन है। तो ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करोगे वैल्यू हमारे पास आएगी वर्क, और ये जो हीट एनर्जी है वो वर्क की फॉर्म में स्टोर होगी, तो वही वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी। तो तीन वेरिएबल में से आपको दो वेरिएबल गिवन है, तीसरे की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन देखा गया वो था फर्स्ट एयर डिस्पेंसरी इन इंडिया, इंडिया की पहली एयर डिस्पेंसरी कहाँ पर बनाई गई। तो आपको बता दे ये जो फर्स्ट एयर डिस्पेंसरी इन इंडिया बनाई गई, वो बनाई गई नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट इज ऑल सेट टू गेट इंडिया फर्स्ट एवर एयर डिस्पेंसरी बेस्ड इन हेलीकॉप्टर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है एयर डिस्पेंसरी मीन्स हेलीकॉप्टर में जो डिस्पेंसरी बनाई गई है, ये बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे, ये क्वेश्चन भी नवंबर 2017 के करंट अफेयर से पूछा गया। तो नवंबर 2017 का जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, वो सब आप जरूर रीड करके जाइए जिन स्टूडेंट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखी गई, नेपाली लैंग्वेज की लिपि पूछी गई थी, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट जो पूछी गई थी कि नेपाली लैंग्वेज की कौन सी स्क्रिप्ट है। तो देखिए ये सारे स्क्रिप्ट है, नेपाल भाषा बहुत सी लिपियों में लिखी जाती है, इनमें से जो प्रमुख लिपियां है वो है रंजना, प्रचलित, ब्राह्मी और भुजिगोल और देवनागरी। तो जहां तक उम्मीद है जो आपको ऑप्शन में दे रखी होगी वो होगी देवनागरी। तो देवनागरी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन जो देखा गया ग्राम पंचायत के लेवल से रिलेटेड देखा गया कि ग्राम पंचायत का जो लेवल होता है तो वो कौन सा लेवल होता है। दो तीन ऑप्शन आपको जो थे, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, इस तरह से चार ऑप्शन आपको गिवन थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लेवल वन। ग्राम पंचायत जो है किस लेवल की है, लेवल वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन AIIA किससे रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन देखा गया AIIA किससे रिलेटेड है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बता दे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जहां तक उम्मीद है इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आयुर्वेदा एक ऑप्शन होगा। तो AIIA जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है आयुर्वेदा से। और ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जो लॉन्च की गई वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो देखा गया SIDO किससे रिलेटेड है। तो आपको बता दे SIDO की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो SIDO किससे रिलेटेड है, वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज। जहां तक उम्मीद है इस तरह से चार ऑप्शन दे रखे होंगे कि वो सोप से रिलेटेड है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो SIDO है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने लग रहे हैं आज इवनिंग शिफ्ट में। तो हम कह सकते हैं जो GK का जो लेवल है वो कुछ हाई बिल्कुल गया है इस शिफ्ट में, हम कह सकते हैं बिल्कुल। एक जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एंजल जलप्रपात मीन्स जो वाटरफॉल्स हम कहें, एंजल वाटरफॉल्स कौन सी रिवर पर है। तो देखिए ये जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजल जलप्रपात कौन सी रिवर पर है। तो हम आपको बता दें ये जो एंजल जलप्रपात है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर विजिबल है, ये जो आपको डायग्राम ये जो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो एंजल जलप्रपात का ही है। और ये जो एंजल जलप्रपात है वो वेनेजुएला में है, और ये जलप्रपात के आधार पर कौन सी नदी है, वो है केरेप नदी। तो अगर नदी पूछी गई है तो केरेप नदी विल बी द राइट आंसर। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आए,
एक पूछा गया था आगाम इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो आगाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो आगाम जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, और आगाम आर द टेक्स्ट ऑफ जैन बेस्ड ऑन द डिस्कोर्स ऑफ द तीर्थकर, मतलब जितने भी तीर्थकर के उपदेश है वो सारे लिखे गए हैं आगाम्स में, तो किस धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ तक जहाँ जैन धर्म विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, फिरोज मैरिज हुज डॉटर फ्रॉम विजयनगर एम्पायर, जो फिरोज ने मैरिज करी थी किसकी डॉटर्स के साथ मैरिज करी थी, और ये जो जो विजयनगर के एम्पायर राजा थे, तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवराय, तो देवराय जो थे विजयनगर के राजा थे, देवराय विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मेमोरी बेस्ड जो हमारे पास आई है, एक पूछा गया था साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, जो बिल्कुल दक्षिण पॉइंट है इंडियन का, इंडियन मेनलैंड का, उसका जो साउथर्न मोस्ट जो टिप है उसकी लोकेशन बतानी थी, तो कन्याकुमारी जो है वो साउथेस्ट पॉइंट है, और उसकी जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट ये चीजें पूछी गई थी कि नॉर्थ में उसके जो एंगल है वो कितना एंगल है, तो 8 डिग्री 4 मिनट 41 सेकंड नॉर्थ में, और 77 डिग्री 55 मिनट 230 सेकंड ईस्ट में। तो जहां तक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमें बताया वो कुछ नॉर्थ में पूछी गई थी कि नॉर्थ में उसका जो साउथेस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट 41 सेकंड, इस तरह से क्वेश्चन में आंसर दे रखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, विच टिश्यू कलेक्ट्स फूड्स इन द प्लांट्स, जो भी प्लांट्स है उन प्लांट्स में कौन सा जो टिश्यू है, कौन सा ऊतक है वो फूड्स को कलेक्ट करता है, तो आपको बता दे जो टिश्यू, इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोम, और ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक तो फ्लोम और जाइलम, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, जो जाइलम होता है वो जो जितना भी मटेरियल मिनरल्स है वो रूट्स से एरियल पार्ट्स, मतलब जो भी प्लांट्स है उसके रूट से एरियल पार्ट तक जो भोजन को लेकर जाता है, जो मिनरल्स को लेकर जाता है, वो तो जाइलम है, और अगर जो भी ट्रांसपोर्ट फूड न्यूट्रिएंट लाइक शुगर एंड एमिनो एसिड जितने भी बाकी जो रह गए जो कलेक्ट्स करते हैं फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, वो है फ्लोम का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्लोम होगा, और ये जो होता है फ्लोम वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम जो होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो मेमोरी बेस्ड हमें मिले, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, वकील का सिस्टम किस मुगल शासक ने खत्म किया, इस तरह से एक क्वेश्चन था, किस मुगल शासक ने जो वकील है उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। जो ऑप्शन जो स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया वो है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, एक ऑप्शन और दे रखा था। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि कौन से मुगल शासक ने वकील का जो सिस्टम है वो खत्म किया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, और एक ऑप्शन और गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं, जितने भी मेमोरी बेस्ड हमें मिले, तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से था, बैंक करप्शन की कमेटी जो है क्या है, इस तरह से बैंक करप्शन की कमेटी का नाम पूछा गया था, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्योंकि मेमोरी बेस्ड बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, और हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इस शिफ्ट में जो जीएस का लेवल था, जीए का लेवल था, थोड़ा सा बिल्कुल टफ था, तो बालिका किशोर योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया, तो कहीं जो इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आया उन्हें अगर क्वेश्चन पता है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश लेवल की बात करें, इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इंग्लिश में जो सिनोनिम्स देखे गए वो देखा गया मुनिफिशियंट, और एक देखा गया फ्लैगलिंग। तो मुनिफिशियंट जिसका जो मतलब होता है वो होता है उदार, और फ्लैगलिंग का जो मतलब होता है वो होता है अनुभवहीन। तो जो भी इनके सिनोनिम्स आपको चार ऑप्शन दे रखे थे जो इनके अकॉर्डिंग हो वो आपने टिक करके आना था। अगर हम एंटोनिम की बात करें, इंक्विस्टिव जिसका जो अर्थ होता है जिज्ञासु, आपने इसका एंटोनिम सिलेक्ट करना था, और इडियम बिल्कुल सिंपल सा, एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे, जिसका कि मतलब होता है हिंदी में तो आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होगा, बट इंग्लिश में अगर बात करें, एवरी वन गेट्स ए चांस इवेंचुअली, तो इसका मतलब एवरी वन गेट्स ए चांस इवेंचुअली। तो क्या जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए, हालांकि कुछ कम क्वेश्चन आए इस शिफ्ट के जितने मेमोरी बेस्ड है, वो सभी जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ रिमेनिंग क्वेश्चंस जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस शिफ्ट के जो एग्जाम देकर आए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, मैथ्स गुरुजी के साथ। धन्यवाद।